और फाइनली गाइस कम ऑन कम ऑन अंबो हमारा अपोनेंट में है इधर मैम कम ऑन पानियल लड़की ने खा लिया सब हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हमारा डेली चैलेंज ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और 28 अगस्त के आज शाम को 4 बजे लाइव हो रहा है और ये ब्लॉग कल आने वाला है 30 को। और आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच भी है चेस का एसयू की ओर से सिक्किम यूनिवर्सिटी की ओर से। तो कैसा क्या रहता है उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत क्लिप भी शेयर करने वाला हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते करते हमारे साथ जुड़े हुए है कृष्णा कृष्णा और आज हमारे साथ ब्लॉग स्टार्ट करने के साथ साथ जुड़े हुए हमारा बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हमारे सिक्किम वाले YT फैमिली के। और आपको पता होगा कि प्रीवियस के बहुत सारे ब्लॉग्स में जो एंड स्किन होता है उसमें बहुत सारे मैं म्यूजिक ऐड कर रहा हूँ जो कि इन्होंने ही लिखा है KQ ही इज नोन एज KQ। तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा इस 30। तो आपको तुमको पता है मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है तो आपको तो बहुत हमको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट करोगे ना? हाँ करेंगे। हाँ डेली ब्लॉगिंग सब लोग करेंगे ना। कल से स्टार्ट हो चुके हैं तो आज भी हमारा 4 बजे को लाइव होगा वीडियो और ये ब्लॉग कल आएगा 30 को। आज 29 है ना, कल 30 को आएगा ये ब्लॉग 4 बजे। तो बिल्कुल रेडी रहे ना। और इनके सॉन्ग भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, काफी मजा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसको दिल से थैंक यू सो मच सिक्किम वाला YT फैमिली कितना प्यारा सा सॉन्ग लिखने के लिए। थोड़ा बहुत है जितना हम लोग कर सकते हैं उतना किया है कि सॉन्ग्स का वेट करना सभी लोग। आज की सीन बता दो, अभी हम लोगों का मैच ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, अभी 10 बज रहे और मैं आ चुका हूँ। आज हमारे कोई क्लासेस नहीं है, तुम्हारा क्लास है आज? नहीं आज कोई क्लास नहीं है ना। और अभी मिलके मजे करेंगे तो चलते हैं लेट्स गो गाइस। तपाईँहरूको नि तादोङ कलेजको यस्तो ग्रुप हुँदैन एज अ होल, मतलब होल स्टुडेन्ट भएको डिपार्टमेन्ट वाइज होइन एसोसिएसन छ यसको? हजुर त्यस्तो अहिले चाहिँ बनाएको छ। यस्तो नोटिस सर्कुलेट गरिदिनुहोस् न, मतलब अगर पार्टिसिपेट गर्नु छ भने चाहिँ हुन्छ, म ग्रुपमा एम चाहिँ आइसक्नुपर्छ बिकज आफ्टर 11 AM चाहिँ रेजिस्ट्रेसन हुँदैन। ओके म ग्रुपमा छोडिदिन्छु नि ल। हुन्छ और फाइनली गाइस अभी ऑलमोस्ट हम लोग का नाम लिख चुके हैं वहाँ पे और अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी 3 ही पार्टिसिपेंट हैं और बहुत लोगों ने ऑनलाइन भी किए होंगे और अभी तक कोई आया नहीं है, देखते कैसा क्या रहता है। और मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इतना पता है बस। और आज कृष्णा कार्की ने भी पार्टिसिपेट किया है। आज सुनील को लड़ाएंगे हम नहीं हम अपोजिशन आमदनी मिले तो काफ़ी मजा आराम से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली गाइस अभी स्टार्ट हो रहा है गर्ल्स लोगों का 100 मीटर रेस और इतने पार्टिसिपेंट्स हैं गर्ल्स लोगों का, टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हैं। देखते हैं वहाँ उस साइड गनर के उस साइड से यहाँ तक एंड पॉइंट है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। और नेक्स्ट हमारा है 100 मीटर फिर हमारा बॉयज़ का, और बॉयज़ का थोड़ा ज़्यादा है और 1500 मीटर्स का भी लॉन्ग रन होगा। उसके बाद अभी देख सकते हैं गर्ल्स लोगों का कुछ इस तरह का सीन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हमारा फाइनली चेस का भी मैच फाइनली होगा और रनिंग का भी आज फाइनल होगा टोटल। और हमारा बैडमिंटन का भी फाइनल है, TT का भी फाइनल है और देखते हैं कैसा क्या रहता है। और शायद मुझे लगता है वॉलीबॉल का भी आज फाइनल है और ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, देख सकते हैं वहाँ से और यहाँ तक एंड पॉइंट है। और फाइनली गए यहाँ हमारा रेड रिवन एंड पॉइंट भी लग चुका है और मौसम भी काफ़ी क्लियर हो चुका है, लेकिन थोड़ा सी प्रॉब्लम यहाँ में क्या है ना, ग्राउंड पे देख सकते हैं बीच पे इस तरह से गड्ढे हैं और इसमें पानी का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए शू स्लिप हो सकता है। लेकिन मौसम वेदर से दामी बैठे हुए और आज के हमारे ब्लॉक में है हमारा विशाल बाबू बाउंसर स्पेशल अनुमोल का और इधर अनुमोल एक्साइटेड होना आज के लिए स्टार्ट होने वाला है अभी। फाइनली गाइस स्टार्ट हो रहा है हमारा, दोनों एकदम सभी लोग एक्साइटेड, थोड़ा नर्वस भी दिखाई दे रहे हैं। हाफ पेन वाला लो मेरे तो तिम्रो से पिंक वाला एरुंगला बीट से बीट। ओके और फाइनली गाइस कम ऑन कम ऑन अंबो ल थर्ड त भयो ल
अब ऊ चाहिँ अब जो जिते होइन फर्स्ट राउन्ड जो आए है फर्स्ट राउन्ड जो आए वो रोज फुटबल खेल्थे नर्थ सिक्किम लिए तो कङ्ग्रेचुलेसन उसको सेकेन्ड विशालको वीरता ऊ आए पिङ्क वाली दिदी उसको लास्ट हाम्रा हाफ पेन होला मतलब कि तिन जो हाम्रो एक्सपेक्ट के थियो सबै पोजिसनमै आए त कोही बात हाम्रो नाक बच गया और फाइनली गाइस विशाल कह रहे कि लड़कों का मैच पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे क्योंकि बस लड़की पे लगाना है ऐसी बात नहीं क्योंकि लड़कों पे हम नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा क्योंकि सब लोग एकदम खतरनाक है और लोग बॉयज़ लोगों का शॉर्ट रन के लिए भी 100 मीटर के लिए भी रेडी हो चुके सब लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जना है तुम एक्सपेक्ट करके बता सकते कौन जीत सकते हैं पता नहीं लड़की लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं लगा अनुमोद तुम बताओ वो हाइट सबसे साइड सबसे साइड वाला गंजी वाला नहीं नहीं वो इधर का वो ब्लैक हाफ पैंट में है ना ब्लैक हाफ पैंट में वो अभी जो गया था लास्ट में अच्छा हाँ वो कह रहा है एनबीबीसी प्रनिल के जस्ट बगल में प्रनिल भी शॉर्ट रन था प्रनिल भी खतरा कुत्ता है देखते हैं कैसा क्या रहता है खतरा कुत्ता है वो मुझे लगता है पर ऐसे जीतेगा क्यों ऐसा लगता है देखने में ऐसा लगता है नहीं 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 त्यो मान्छे बस्ने बस्दैन नि त तल चाङखे रहेछ यस्तै मान्छे हार्छ भाइ उयो हेर न टोपी लाउने बस्ने मानेको छैन Come on, Pranil! Unexpected, eh? और फाइनली गाइस बहुत खतरनाक रेस था अनएक्सपेक्टेड जिसे हमने नहीं सोचा था कि बहुत खतरा कूदेगा बहुत तेज दौड़ेगा लेकिन वो नहीं दौड़ा और जो हम लोग नहीं सोचा था वो जीत गए फाइनली काफ़ी अच्छा था और ऑलमोस्ट हम लोग का अभी मैच भी स्टार्ट होने वाला है तो चलते गाइस भावी सर ने जीते एक मैच और फाइनली गाइस अभी ये सेकेंड राउंड चल रहा है और अभी भी सेकेंड राउंड में भी ये भावेश की टीम भावी सर दामसो की अभी लीडिंग में है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है फाइनल मैच फाइनली ओ अवे 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 और फाइनली गाइस भवेश और तांजुक ने मैच जीत चुका है और जितने भी प्रीवियस मैच थे सेमीफाइनल वगैरह सब पहले से हो रहा था और आज बस फाइनल था और फाइनल भी पहले जीत चुका है भवेश और तांजुक ने तादुंग कॉलेज ने एस यू और तादुंग का ओवरऑल मैच था और हमारा अपडेट बता दूँ मेरा अभी चेस मैच ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया 6 राउंड होगा जिसमें से एक राउंड हार चुका हूँ 1 राउंड जीता हूँ देखते हैं अभी और क्या रहता है अभी मेरा और 4 मैच बचा है पहला राउंड में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा देखते क्या रहता है और फाइनली गाइस ये व्यू चेक करें गाइस ओ मजा आउँदैछ You have to keep that in mind. If you do 2 illegal moves, you lose the game. Okay? If you touch that fish, and your opponent will say, touch and move, will apply the rule. Okay? If you touch that fish, you have to make the move with that fish only. Okay? So, guys, check your fishes. Okay? So, guys, focus. Okay? बोल्नु सबै साइडबाट राख्नुहोस् बोल्नु सबैको सबैजना साइलेन्टमा राख्नुहोस्
और फाइनली गाइस हम लोग का मैच है और हमारा अपोनेंट में है इधर मैम, आप एसयू स्कॉलर हैं दीदी, ओके देन मेरा ब्लैक है इधर वाइट है और टाइम हमारा 10 मिनट्स है, देखते हैं कैसा क्या रहता है, लेट्स गो। We'll start now. Take your pieces. फाइनली गाइस आज के हमारा लास्ट मैच है इधर भैया के साथ, आप एसयू से है ना, एसयू से स्कॉलर है? नो नो बीबीसी थर्ड सेमेस्टर। अच्छा अच्छा, और इनका ब्लैक है मेरा वाइट है, इतने दोनों मैच आ चुके हैं, लास्ट मैच अच्छे से खेल के जाते हैं, मजा आते हैं, हम मिलते हैं आपसे सीधा इस मैच के बाद। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 6:30, तो मुझे लगता है कि 4 बजे जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा और शाम खेलने भी आना है, और मजा आ रहा है। भैया आप कहाँ से? कोलकाता से। ओके भैया, ऑल द बेस्ट। और फाइनली गाइस अभी बच रहे शाम के 5, और आज आपको दिखाया थोड़ा बहुत, हम लोग गए थे अपने 29 अगस्त को, सभी एसयू की टूर्नामेंट्स की फाइनल थी, तो मैं सब जगह नहीं जा पाया क्योंकि हम लोगों का भी मैच था, और आज का मैच ना बहुत ख़तरनाक था। टोटल हम लोगों का 5 रन थी चेस थार चेस में, उसमें से 3 रन हार चुका हूँ मैं और 2 रन जीत गया हूँ। देखते हैं, थोड़ा बहुत काफ़ी मज़ा आया है, लेकिन अभी बच रहे शाम के 5, अभी मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए और एज़ यूजुअल। और आपको पता होगा कि हमने ऑलमोस्ट डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया है, तो पीछे के ब्लॉग में भी आप सभी लोग का अनएक्सपेक्टेड प्यार और सपोर्ट रहा, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा ओवरऑल सिक्किम वाला फैमिली में, और जो भी नया मेम्बर जो रहे सभी लोगों को दिल से थैंक यू सो मच और वेलकम टू सिक्किम वाला फैमिली कहना चाहूँगा। और आपको थोड़ा पता होगा कि मेरा डेली ब्लॉग में शूट करता हूँ, लेकिन इसकी अपलोडिंग में अल्टरनेट सिस्टम है, 1 डे का गैप रहेगा। आज मैं जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आने वाला है, और कल का यस्टरडे का ब्लॉग आज या कल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई एनर्जी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, अब तक ले चाहता हूँ आप सबसे अलविदा, खुश रहिए मस्त रहिए, बाय बाय। लॉकडाउन ने दिया दम घर मेरा, अम्मा सब बुम टाउन मेरा यकसम, थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब में रखा कदम, लॉकडाउन के कारण से हो रहा था प्रॉब्लम, माँ बाप थे साथ, दोस्त मेरा सब गोना ट्राई सो हार्ड, जब कोई नहीं था साथ।